आज हम सिंपल एंड सरल तरीके से रेस्टोरेंट जैसा वेजिटेबल चाइनीज प्लेटर बनाएंगे। स्टार्ट करेंगे, फ्राइड राइस बनाएंगे। 1.5 कप बासमती चावल को 2 से 3 बार पानी से धो लिया था और आधा घंटा पानी में डाल के भिगो के रखा था। ये चावल अंदर डाल देंगे। ये 250 ग्राम चावल है। तेज आंच पे चावल को कुक कर लेंगे। 1 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून तेल डालेंगे। चावल में तेल डालने से चावल एकदम ही छुट्टा बनेगा। चावल को मैंने 8 मिनट कुक कर लिया है। 80% हमें कुक करना है। ये हो गया है, गैस ऑफ कर देंगे। चावल को ये स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। इसके ऊपर हम रूम टेम्परेचर का पानी डाल देंगे ताकि चावल कुक होने की प्रोसेस बंद हो जाए। थोड़ी देर स्ट्रेनर में रखेंगे ताकि सारा पानी निकल जाए। चावल का सारा पानी निकल जाए उसके बाद प्लेट में हमें निकालना है। इस तरह से फैला के इसे ठंडा होने देंगे। आधा घंटा चावल को इसी तरह से रखेंगे। फ्राई राइस के लिए हम सब्जियां बारीक चॉप कर लेंगे। पहले पत्ता गोभी को काट लेंगे। इसी तरह से गाजर को भी चॉप कर लेंगे। गाजर को मैंने ऊपर का छिलका निकाल के धो के लिया है और अभी इसे बारीक चॉप कर लेंगे। 8 से 10 बीन्स है, इसे मैंने पहले धो लिया है और आगे और पीछे से डंडी को निकाल लिया है। इसे भी बारीक चॉप कर लेंगे। बीन्स ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना है तो इसे स्किप कर सकते हैं। हरा प्याज का ऊपर का व्हाइट हिस्सा, ये भी हमने धो के लिया है, इसे भी बारीक चॉप कर लेंगे। वेजिटेबल्स को चॉप कर लिया है। अभी फ्राइड राइस बनाएंगे। गैस ऑन करेंगे, वॉक को गर्म होने देंगे। 4 टेबलस्पून तेल डालेंगे। तेल गर्म हो गया है। आधा टीस्पून लहसुन की पेस्ट, आधे टीस्पून अदरक की पेस्ट। तेज आंच पे अदरक लहसुन को लाइटली सौते करेंगे। आधा कप हरा प्याज का व्हाइट हिस्सा हमने बारीक चॉप किया था, वो प्याज को सौते कर लेंगे। लगातार चला के 1 मिनट तेज आंच पे भून लिया है। स्टीम राइस बनाया था ये डाल देंगे। तेज आंच पे लगातार चला के राइस को 2 मिनट भून लेंगे। राइस को हमें हल्के हाथ से चलाना है, नहीं तो राइस का दाना टूट जाएगा। 2 मिनट चावल को तेज आंच पे भून लिया है, गैस ऑफ कर देंगे। आधा कप कैबेज डालेंगे, आधा कप गाजर, आधा कप बारीक चॉप बीन्स। बीन्स को मैंने 2 मिनट माइक्रोवेव में हाई पावर पे कुक किया है। आपको ये अगर नहीं डालना है तो इसके बदले में आप बारीक चॉप कैप्सिकम भी ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून सोया सॉस डालेंगे। 1/4 टीस्पून अजीनोमोटो, ये ऑप्शनल है। रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट चाहिए तो ये अजीनोमोटो आपको डालना पड़ेगा। 1 टीस्पून नमक, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 2 टीस्पून हरी मिर्ची की पेस्ट, मिक्स कर लेंगे। एकदम धीरे से मिक्स करेंगे, नहीं तो चावल टूट जाएगा। प्याज को हमने जब सौते किया तभी आप उसी टाइम पे भी वेजिटेबल डाल सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे अगर हम वेजिटेबल डालेंगे तो वेजिटेबल क्रंची लगेगा। मिक्स हो गया है। अगर आपको फ्राइड राइस पहले से बना के रखना है तो इतना आप तैयार करके रख सकते हैं और जब ही सर्व करना है उस टाइम पे इसे गर्म करके सर्व कर सकते हैं। 1 टीस्पून विनेगर डालेंगे। गैस चालू करेंगे। राइस को 3 मिनट कुक कर लेंगे। 3 मिनट तेज आंच पे लगातार चला के राइस को कुक कर लिया है। आधा कप हरा प्याज की पत्ती डालेंगे। वेजिटेबल फ्राइड राइस रेडी है, गैस ऑफ करेंगे। वेज हाका नूडल बनाएंगे। एक वॉक पे मैंने 10 कप पानी गर्म करने के लिए रखा है। हाका नूडल्स का एक पैकेट लिया है। पानी बॉईल हो गया है, इसमें यह हाका नूडल डाल देंगे। 2 मिनट इसे तेज आंच पे कुक करेंगे। नूडल्स को धीरे धीरे इस तरह से अलग करेंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे। इसे पूरी हमें कुक नहीं करना है, अलदामते रहे ऐसी। ये कुक हो गई है।
दो से तीन मिनट हमने कुक किया है, गैस ऑफ कर देंगे और इसे स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। नूडल्स को मैंने स्ट्रेनर में निकाल लिया है, इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे। नूडल्स को हम एक प्लेट में फैला के रखेंगे, इसके ऊपर एक टेबलस्पून तेल डालेंगे। तेल को नूडल्स के ऊपर लगा लेंगे इस तरह से, ताकि नूडल्स एक दूसरे के साथ में चिपक नहीं जाए। हाका नूडल बनाएंगे। वॉक को हमने गर्म करने के लिए रख दिया है, तीन टेबलस्पून तेल डालेंगे। तेल गर्म हो गया है, इसमें आधा कप हरा प्याज का वाइट हिस्सा मैंने स्लाइस करके लिया है, लाइटली सौते कर लेंगे। एक पैकेट नूडल्स में आधा कप सारे वेजिटेबल्स डालना है, लेकिन मैंने यहाँ पे वेजिटेबल्स थोड़ा ज़्यादा लिया है, क्योंकि बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं तो इस तरह से हम उसे खिला सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3/4 कप से 1 कप कैबेज लिया है, उतना ही गाजर है और उतना ही कैप्सिकम है। सबको मैंने लंबा लंबा काट लिया है। पहले हम गाजर को डाल देंगे, कैप्सिकम डालेंगे, लाइटली सौते कर लेंगे। 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून नमक, या नमक अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है। 2 टीस्पून हरी मिर्ची की पेस्ट डालेंगे। 1/4 टीस्पून आजिनोमोटो, ये ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर दीजिए। मिक्स कर लेंगे। पत्ता गोभी डाल देंगे। पत्ता गोभी हमने लास्ट में इसीलिए डाला कि थोड़ी क्रंची रहे तो अच्छा लगेगा। बॉइल्ड नूडल्स डाल देंगे। 2 स्पैचुला से इसे मिक्स करेंगे। एक मिनट नूडल्स को तेज आंच पे स्टर फ्राई कर लेंगे। लास्ट में 1 टेबलस्पून विनेगर डालेंगे। गैस ऑफ कर देंगे। मिक्स कर लेंगे। आधा कप हरा प्याज की पत्ती डालेंगे। वेज हाका नूडल्स रेडी है। पनीर चिली ग्रेवी बनाएंगे। 250 ग्राम पनीर का क्यूब लिया है। 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, कॉर्नफ्लोर में 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे। 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। मिक्स कर लेंगे। पनीर के पीस को कॉर्नफ्लोर में कोट कर लेंगे इस तरह से। पनीर को हमने कॉर्नफ्लोर से कोट कर लिया है, तेल गरम करने के लिए रख दिया है, इसमें फ्राई कर लेंगे। तेज आंच पे ही पनीर को फ्राई कर लेंगे। फ्लेम लो करेंगे। पनीर फ्राई हो गया, इसे निकाल लेंगे। पनीर को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये हार्ड हो जाएगा। पनीर को हमने फ्राई कर लिया है। पनीर के अंदर अगर पानी होगा तो ये फ्राई करते टाइम बहुत ही तेल उड़ेगा। इसके लिए पनीर को पहले आप टिश्यू पेपर में लपेट के थोड़ी देर रखें, तो पानी सब टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा, तो फ्राई होते टाइम पानी ज़्यादा उड़ेगा नहीं। ग्रेवी बनाएंगे। 2 टेबलस्पून तेल गरम करेंगे। मैंने यहाँ पे तिल का तेल लिया है। तिल का तेल डालने से चाइनीज की ग्रेवी बहुत ही टेस्टी बनती है। आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी नॉर्मल तेल ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून बारीक चॉप लहसुन डालेंगे। फ्लेम हमें हाई ही रखनी है लाइट सोते होने के बाद। 1.5 टेबलस्पून बारीक चॉप अदरक, लाइटली सोते हो गया है। 1 टीस्पून हरी मिर्ची की पेस्ट, 1/4 कप हरा प्याज का वाइट भाग बारीक चॉप करके लिया है। 1 प्याज का डाइस है, 2 कैप्सिकम का डाइस है। तेज आंच पे फ्यू सेकंड सौते कर लेंगे। 5 हरी मिर्च को डायगोनली कट करके लिया है इस तरह से। एक मिनट तेज आंच पे सौते कर लिया है। 3 कप वेजिटेबल स्टॉक बनाया है, ये डालेंगे। वेजिटेबल स्टॉक हमने ये मैगी क्यूब से बनाया है। 3 कप पानी में 1.5 मैगी क्यूब डाल के स्टॉक बनाया है। अगर आपको ये नहीं डालना है तो आप प्लेन पानी, सादा पानी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये स्टॉक डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा।
ढाई टेबल स्पून डार्क सोया सॉस डालेंगे, 2.5 टेबल स्पून, 3/4 टी स्पून नमक, या नमक अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है, 1/2 टी स्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टी स्पून चीनी। सॉस बॉईल हो रहा है, 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर में 1 कप पानी डाल के मिक्स किया है। लगातार चला के इसे कुक करेंगे। 3 मिनट सॉस को बॉईल कर लिया है, पनीर फ्राई किया है, ये डाल देंगे। 1 टीस्पून चिली सॉस डालेंगे, 1/2 कप हरा प्याज, 1/2 कप हरा प्याज। पनीर चिली ग्रेवी रेडी है।